गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वी वर स्टडिंग अलजेब्रा फॉर बीएससी बीसीएस सेमेस्टर फोर्थ स्टूडेंट्स एंड वी वर डिस्कसिंग यूनिट नंबर फोर्थ दैट इज रिंग्स। सो यस्टरडे आई हैव मेंशनड दैट व्हिच टॉपिक्स वी हैव टू कवर इन दिस यूनिट। ओके, वी हैव स्टार्टेड विद द डेफिनेशन ऑफ ए रिंग एंड वन एग्जाम्पल ऑफ ए रिंग, दैट इज द सेट ऑफ इंटीजर्स की हमने एग्जाम्पल की थी। ओके, तो हमने डेफिनेशन ऑफ रिंग पढ़ी थी, फिर कॉम्यूटेटिव रिंग क्या होती है, रिंग विद यूनिटी क्या होती है, बुलियन रिंग क्या होती है, आइडिपोटेंट एलिमेंट्स क्या होते हैं, वो हमने सारा डिस्कस किया था। तो टुडे वी विल डू वन मोर एग्जांपल। अगर हम यस्टरडे की बात करें, उसमें जो हमने एग्जांपल करी थी वो थी कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, दैट इज अ सेट ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। ओके, सो टुडे we will do one more example, that is the commutative ring without unity, commutative ring without unity, and that will be the ring of even integers, everyone knows। ठीक है, अगर हम even integers की बात करें उसमें हमें one नहीं मिलेगा, one unity का काम करता है तो उसमें unity exist नहीं करेगी, तो वो without unity बन जाएगी। so let us discuss this example, prove that the set 2z of all even integers is a commutative ring without unity। under addition and multiplication operations। मैंने आपको बताया था कि जब रिंग की बात करेंगे उसमें दो बाइनरी ऑपरेशंस की बात करेंगे, दैट इज एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ओके, प्रूफ एग्जांपल है तो सॉल्यूशन जाएगा, सॉल्यूशन। सो मैंने आपको बताया था कि रिंग कब कहा जाता है किसी नॉन एम्प्टी सेट को, कोई भी नॉन एम्प्टी सेट with two binary operations, that is addition and multiplication, is said to form a ring if it satisfies following properties। अब मैं वन बाय वन नहीं बताऊंगा। अगर under addition की बात करें तो वो abelian group होना चाहिए, और अगर हम multiplication के under बात करें तो under multiplication वो semi group होना चाहिए, और with one additional property, that is distributive property। multiplication over addition और addition over multiplication। अगर हम multiplication over addition की बात करें तो left distributive property, अगर addition over multiplication की बात करें तो right distributive property, वो भी satisfy करनी चाहिए। तो commutativity के लिए आपको पता ही वो under multiplication commute करनी चाहिए, abelian होनी चाहिए, ठीक है। और अगर हम unity की बात करें तो कोई भी हमें एक ऐसा element मिले one, such that हर एक element के right से apply करो, चाहे लेफ्ट से मल्टीप्लाई करो, आंसर आपका वही एलिमेंट होना चाहिए, तब जाकर वो यूनिटी बनेगा। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, अगर मैं एडिशन की प्रॉपर्टीज की बात करूं तो सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है क्लोजर प्रॉपर्टी। कल किया था सेट ऑफ इंटीजर्स, कोई भी इंटीजर्स को अगर हम ऐड करें तो वो अगेन इंटीजर बनता है। अगर इंटीजर्स इंटीजर्स बनते हैं ऐड होके, तो दिस मींस इवन इंटीजर्स को भी ऐड करने से आपका इवन इंटीजर ही मिलेगा। टू प्लस फोर करोगे तो सिक्स मिलेगा, सिक्स प्लस एट करोगे तो फोर्टीन मिलेगा, तो सम ऑफ टू इवन इंटीजर्स इज अगेन एन इवन इंटीजर। तो क्लियरली ए प्लस बी वो सेट ऑफ इवन इंटीजर को बिलोंग करेगा, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू सेट ऑफ इवन इंटीजर्स। क्यों? बिकॉज एडिशन ऑफ टू, बिकॉज एडिशन ऑफ टू इवन इंटीजर्स, टू या एनी इवन इंटीजर्स, टू थ्री फोर सिक्स सो ऑन, टू इवन इंटीजर्स is again an even integer।
अब बात करते हैं एसोसिएटिविटी की। एसोसिएटिविटी की कोई भी तीन, इवन इट इज अ स्लोगे, चाहे फर्स्ट और सेकंड को ऐड करोगे फिर थर्ड को, चाहे सेकंड और थर्ड को ऐड करोगे फर्स्ट में, तो आंसर आपका सेम आएगा। ये क्लियरली चेक कर सकते हो। तो ए प्लस बी प्लस सी करो, चाहे ए प्लस बी प्लस सी करो, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ऑफ इवन इंटीजर्स, ठीक है, ये आपका हमेशा बराबर आएगा, तो एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा। तो सो एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स इन सेट ऑफ इवन इंटीजर्स। दो प्रॉपर्टी आपकी ट्री होगी क्योंकि आपने एबेलियन ग्रुप बताना है अंडर एडिशन। अब बात करते हैं थर्ड थर्ड प्रॉपर्टी, वो सबको पता है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मतलब एडिटिव आइडेंटिटी, तो प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन है तो एडिटिव आइडेंटिटी ही होगी, वो आपको पता है। जीरो होती है एडिटिव आइडेंटिटी, इज जीरो एंड इवन इंटीजर, यस जीरो इज एन इवन इंटीजर। व्हाई? बिकॉज जीरो को हम टू इंटू जीरो की फॉर्म में लिख सकते हैं, टू इंटू जीरो जीरो सेट ऑफ इंटीजर्स का ही एलिमेंट है, तो ये मल्टीपल ऑफ टू बन जाएगा, सो इट इज एन इवन इंटीजर, ठीक है। इसको ऑड नहीं कहते, ऑड कैसे कहोगे, क्या ये इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, टू एन प्लस वन फॉर्म में लिखा जा सकता है, नहीं लिख सकते, सो ये इवन इंटीजर में आता है जीरो, ठीक है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव की बात आएगी, दिस मीन्स हमें जीरो मिलेगा इवन इंटीजर्स में, ठीक है। मतलब हम सीधा कहेंगे फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ऑफ इवन इंटीजर्स देयर एग्जिस्ट जीरो, जिसको हम टू इंटू जीरो करके लिखेंगे, वो हमें मिलेगा सेट ऑफ इवन इंटीजर्स में, सच दैट ए में ऐड करेंगे उस जीरो को, वो आपका आंसर ए ही आएगा, चाहे लेफ्ट से ऐड करो चाहे राइट से ऐड करो, फॉर ऑल तो मैंने स्टार्टिंग में लिख दिया, तो देयरफॉर जीरो जो होगा, या जीरो को आप कैसे लिखोगे, टू इंटू जीरो इज एन आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ सेट ऑफ इवन इंटीजर्स। तो आइडेंटिटी आपकी एग्जिस्ट करेगी और वो आइडेंटिटी होगी आपकी टू इंटू जीरो, ठीक है ना। फोर्थ, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, वो आपको सबको पता है, अगर सेट ऑफ इवन इंटीजर्स है, जैसे टू का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस टू, टू में ऐड करोगे माइनस टू, आपका आइडेंटिटी आ जाएगा जीरो। वैसे फोर के केस में माइनस फोर, सिक्स के केस में माइनस सिक्स, तो क्लियरली आप कहोगे फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ऑफ इवन इंटीजर्स देयर एग्जिस्ट माइनस ए बिलोंग्स टू सेट ऑफ इवन इंटीजर्स सच दैट ए प्लस माइनस ए करोगे तब भी जीरो, और माइनस ए प्लस ए करोगे तब भी जीरो, तो देयरफॉर इनवर्स जो होगा, एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ टू जेड एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट करेगा देयरफॉर, और जो माइनस ए होगा इज इनवर्स ऑफ ए इन सेट ऑफ इवन इंटीजर्स, तो माइनस ए नेगेटिव्स उसके इनवर्सेस बनते जाएंगे और इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो ये चार प्रॉपर्टीज होगी, तो एबेलियन ग्रुप के लिए पांचवी प्रॉपर्टी कौन सी होगी, फिफ्थ प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ेंगे। फिफ्थ प्रॉपर्टी, फिफ्थ प्रॉपर्टी होगी कॉमटेटिव प्रॉपर्टी। कॉमटेटिव, अगर हम कॉमटेटिविटी की बात करें, कोई भी दो इवन इंटीजर्स लोगे, उनको ऐड करो, चाहे लेफ्ट राइट से ऐड करो चाहे राइट लेफ्ट से ऐड करो, आंसर आपका सेम आएगा। तो क्लियरली आप कहोगे ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू सेट ऑफ इवन इंटीजर्स, तो सो कॉमटेटिव प्रॉपर्टी holds in
सेट ऑफ इवन इंटीजर्स। तो देयर फॉर अगर देखा जाए ये एबेलियन ग्रुप आपका बन गया, ठीक है, पांच प्रॉपर्टीज आपकी प्रूव हो गई। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन की, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन या प्रॉपर्टीज अंडर मल्टीप्लीकेशन। तो अंडर मल्टीप्लीकेशन मैंने क्या कहा था, ये सेमी ग्रुप बनना चाहिए पहले। तो सेमी ग्रुप के लिए एक तो क्लोजर होनी चाहिए अंडर मल्टीप्लीकेशन और दूसरी एसोसिएटिविटी। तो क्लोजर होगी, कोई भी दो इवन इंटीजर्स लोगे, उनको मल्टीप्लाई करोगे, वो अगेन क्या बनेगा, इवन इंटीजर ही बनेगा। तो सिक्स आ गई क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लियरली ए डॉट बी बिलोंग करेगा सेट ऑफ इवन इंटीजर्स को, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू सेट ऑफ इवन इंटीजर्स। क्यों? बिकॉज प्रोडक्ट या मल्टीप्लीकेशन ऑफ एनी टू इवन इंटीजर्स इज अगेन एन इवन इंटीजर्स। ओके, तो ये आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी होगी। अब हम सेवंथ प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, कोई भी तीन हम इवन इंटीजर्स लेंगे, उनको पहले दो को मल्टीप्लाई करो, फिर थर्ड के साथ, या सेकंड थर्ड को मल्टीप्लाई करो और फर्स्ट में मल्टीप्लाई करो, तो आंसर आपका सेम आएगा। तो ए डॉट बी डॉट सी इज इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू सेट ऑफ इवन इंटीजर्स। तो सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन होल्ड्स इन सेट ऑफ इवन इंटीजर्स। सेवन प्रॉपर्टीज आर कंप्लीट। सो दीज टू प्रॉपर्टीज कंस्टिट्यूट सेमी ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन। एबेलियन ग्रुप हो गया अंडर एडिशन, सेमी ग्रुप हो गया अंडर मल्टीप्लीकेशन। नाउ एडिशनल प्रॉपर्टी, एक्सेप्शनल प्रॉपर्टी, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। एट कौन सी होगी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में पहली आती है ए पार्ट लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, मतलब मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। वो कौन सी होती है, ए डॉट बी प्लस सी। कोई भी तीन इवन इंटीजर्स लोगे, दो को सम करो और पहला उसमें मल्टीप्लाई करो, ठीक है, और कोई भी दो को मल्टीप्लाई करो, ए टू बी करो, ए टू सी करो, एड करो, आपका आंसर सेम आएगा, आप चेक कर सकते हो, ठीक है। ए डॉट बी प्लस सी इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। कोई भी तीन लेकर, वन टू थ्री लेकर चलना, ये मान लो वन लिया, ये टू लिया, थ्री लिया, तो ये वन है, ये टू है, ये वन है, ये थ्री है। देखिए वन टू थ्री, टू प्लस थ्री फाइव, वन इंटू फाइव फाइव, टू बन जाए टू, थ्री बन जाए थ्री, टू प्लस थ्री फाइव, ये आप चेक कर सकते हो, ठीक है। सॉरी, हमने इवन इंटीजर्स लेने थे, तो टू फोर सिक्स ले लो, ये टू इंटू फोर, ये टू इंटू सिक्स बनेगा। देखो फोर प्लस सिक्स टेन, टेन टू जे ट्वेंटी, टू फोर जा एट, सिक्स टू जे ट्वेल्व, ट्वेल्व और एट कितना हो जाएगा, ट्वेंटी हो जाएगा। तो ये आपका आप चेक कर सकते हो। वैसे ही आपका राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगी, मतलब बी प्लस सी डॉट ए इक्वल टू बी डॉट ए प्लस सी डॉट ए फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ऑफ इवन इंटीजर्स। तो हेंस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आल्सो होल्ड्स। तो देयर फोर वी कैन से दैट दिस सेट ऑफ इवन इंटीजर्स इज अ रिंग, रिंग हुई। अब देखते हैं कॉमटेटिव रिंग का क्या रहता है। कॉमटेटिव रिंग के लिए कम्यूट करनी चाहिए अंडर मल्टीप्लीकेशन, अगर वो कम्यूट कर जाती है तो वो कॉमटेटिव बन जाती है। तो नाइन्थ प्रॉपर्टी मल्टीप्लीकेशन की चल रही है, किसकी चल रही है, मल्टीप्लीकेशन की, कॉमटेटिव प्रॉपर्टी। अगर वो अंडर मल्टीप्लीकेशन भी कम्यूट कर जाती है, देन आपको पता ही है मल्टीप्लीकेशन ऑफ इवन इंटीजर्स ऑलवेज कम्यूट,
2 into 4 equal to 4 into 2, 2 into 6 equal to 6 into 2, ठीक है? तो क्लियरली आप कहोगे a dot b equal to b dot a for all a b belongs to set of even integers, so ये commute कर जाएगी, ये commutative ring होगी। अब 10th बात करते हैं, ring with unity, ring with unity। अब देखते हैं कि unity exist करती है नहीं करती है, क्या वन होता है सेट ऑफ इवन इंटीजर्स में? नहीं होता। आप कहोगे सिंस फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ऑफ इवन इंटीजर्स देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी वन बिलोंग्स टू सेट ऑफ इवन इंटीजर्स सच दैट ए के साथ वो राइट से मल्टीप्लाई हो या लेफ्ट से हो आपका आंसर ए आ जाए, ऐसा नहीं होगा, आपको मिलेगा ही नहीं वन उसमें। तो सो आप कहोगे यूनिटी एलिमेंट या यूनिट एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट इन सेट ऑफ इवन इंटीजर्स, तो हेंस सेट ऑफ इवन इंटीजर्स इज अ कॉमुटेटिव रिंग विदाउट यूनिटी। बेटा पेपर में ऐसे भी पूछ सकते हैं, गिवन एग्जाम्पल ऑफ ए रिंग विच इज कॉमुटेटिव बट विदाउट यूनिटी, तो ये एग्जाम्पल आपने देनी है। मे बी और भी एग्जाम्पल बने बट पहले आपने जो आपने सीखा है ये आपने एग्जाम्पल देनी है। तो गिवन एग्जाम्पल ऑफ ए रिंग विच इज कॉमुटेटिव एंड विद यूनिटी वो गई सेट ऑफ इवन इंटीजर्स की। और भी बड़ी एग्जाम्पल बनेगी कॉमुटेटिव रिंग विद यूनिटी, वो मैं अभी आपको नेक्स्ट करवाता हूँ, ठीक है? पहले मैं देखता हूँ कितने मिनट का वीडियो हुआ है, अगर कोई थोड़ी गुंजाइश होगी तो मैं बुलियन रिंग के यहाँ आपको एग्जाम्पल करवाता हूँ, अगर नहीं होगी गुंजाइश तो मैं नेक्स्ट वीडियो में वो एग्जाम्पल करवाता हूँ और एक एग्जाम्पल करवाता हूँ रिंग की बेसिस पे।